गुड मॉर्निंग दोस्तों। इकोनॉमिक्स का आज विजन 365 का इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है गरीबी उन्मूलन। भारत में 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में जीवन यापन कर रहे हैं। कितने लोग? 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत की अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट आई है। वर्ष 2011 के 25.5% के स्तर से गिरावट वर्ष 2019 में 10.2% के स्तर पर आ गई है। विश्व के 2/3 गरीब संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं। मुख्य उद्देश्य: लोगों के समक्ष उत्पन्न अत्यधिक गरीबी की स्थिति को समाप्त करना, ये उद्देश्य है। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए आय स्तर पर निर्भर ना रहकर उपभोग व्यय को आधार बनाना चाहिए। मतलब जितना लोग उपभोग करते हैं उसको एक आधार बनाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र से परे जाकर सभी प्रकार की गरीबी की पहचान करना, बहुआयामी गरीबी का समग्र रूप से समाधान करना। इसकी सीमाएं कौन कौन सी है? सीमाएं भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का असमान वितरण, इसके कारण निःशुल्क लाभभोगियों का मुद्दा सामने आता है। संसाधनों का पर्याप्त आवंटन, इन योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते, वह भ्रष्टाचार करते हैं तथा इन पर स्थानीय अभिजात वर्ग का दबाव बना रहता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर के संसाधनों की कम भागीदारी होती है। योजनाएं या पहल: दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या विशेष करके ये योजनाएं हैं जो गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये शहरों के लिए है, ग्रामीण स्तर के लिए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं लाई गए किसानों की आय को बढ़ोतरी करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सब सारी योजनाएं लाई गई है। आगे की जो राह बताया गया है, सरकार और बैंक अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना, गरीबी कम करने के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पीपीपी के आधार पर निम्न निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा की अवधारणा को अपनाना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, 3.2 डॉलर प्रतिदिन ये आमदनी होनी चाहिए। लागत प्रभावी तरीके से कम अंतराल पर सर्वेक्षण का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय सरकार और संस्थानों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। संपत्ति और आर्थिक वृद्धि के लाभों का प्रभावी वितरण करना चाहिए। नीतिगत कार्रवाई में गरीबी के बदले
सॉरी गरीबी के बदलते स्वरूप की झलक प्रदर्शित करती होनी चाहिए। गरीबी के खिलाफ कार्रवाई में संघर्ष के हॉटस्पॉट जलवायु परिवर्तन और COVID-19 इत्यादि का समाधान होना चाहिए। राज्य, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर सभी हितधारकों के मध्य सहयोग और समन्वय बढ़ाना चाहिए। निर्धनता के अनुमान, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक से जुड़े लेखकों ने भारत में निर्धनता और असमानता को दो अलग-अलग अनुमान प्रकाशित किए। अन्य संबंधित तथ्य, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे CPHS के आधार पर विश्व बैंक के शोध पत्र में पाया गया कि भारत में चरम निर्धनता एक्सट्रीम पॉवर्टी में 12.3% की गिरावट आई है। वर्ष 2011 में जहां 25.5% गरीबी था, जो घटकर 2019 में 10.2 तक पहुंच गया है। कितना था पहले? 25.5 था, 2011 का डेटा है, जो अभी 2019 का डेटा है उसमें घटकर 10.2% हो गया है। IMF के शोध पत्र में अब बताया गया है कि भारत ने चरम निर्धनता को लगभग समाप्त कर दिया है। IMF के द्वारा बताया गया है कि भारत ने चरम निर्धनता को लगभग समाप्त कर दिया है। यह वर्ष 2011 के 10.8 से घटकर 2019 में 1.3% के स्तर पर आ गई है। यह अनुमान उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और सब्सिडी समायोजन सहित अन्य डेटा सेट्स के आधार पर की गई तुलना में व्यक्त किया गया है। निर्धनता और निर्धनता मापने की विभिन्न विधियों के बारे में आगे जानते हैं। निर्धनता और निर्धनता मापने के लिए विभिन्न विधियों का आकलन करते हैं। आगे क्या बताया गया है? निर्धनता किसी व्यक्ति या समुदाय की वह स्थिति या दशा है जब उसके पास उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक धन संसाधन तक पहुंच का अभाव हो। वो निर्धनता के मापदंड बताया गया है। इसे आमतौर पर निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता के रूप में मापा जाता है। इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है। किसको? जो निर्धनता किसी व्यक्ति या समुदाय की वह स्थिति या दशा है जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक धन संसाधन तक पहुंच का अभाव होता है। इसे आमतौर पर निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता के रूप में मापा जाता है। इस सीमा रेखा के नीचे आने वाले लोगों को गरीब या निर्धन कहा जाता है। हालांकि निर्धनता के कई स्वरूप हैं जो समय और स्थान के साथ बदलते हैं। इस कारण निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां अपनानी पड़ती है। जैसे निर्धनता अनुमान के दृष्टिकोण या आयाम संकेत, बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण। बेहतर स्थिति वाला दृष्टिकोण क्या है? एरिक एलार्ड द्वारा दिए गए एक दृष्टिकोण में तीन आयाम शामिल है, संसाधन पास होना, सामाजिक स्वीकार होना, स्वीकार्यता और आध्यात्मिक भावनात्मक का संतुष्टि होना। क्या क्या है? पास होना, स्वीकार्यता होना, संतुष्टि होना, ये आयाम दिया गया है एरिक एलार्ड के द्वारा। दूसरा क्या है? क्षमता वाला दृष्टिकोण। आय और उपभोग दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में अमर्त्य सेन, एक इंडियन अर्थशास्त्री हैं, द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण के आधार पर OECD ने बहुआयामी क्षमता फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें निम्नलिखित पांच
पांच क्षमताओं, निम्नलिखित पांच क्षमताओं को शामिल किया गया है। आर्थिक क्षमताएं, मानवीय क्षमताएं, राजनीतिक क्षमताएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं और सुरक्षा संबंधी क्षमताएं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक उसमें है, इसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी, क्या है ओफी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। यह गंभीर बहुआयामी गरीबी एक अंतर्राष्ट्रीय माप है। इनमें निम्नलिखित तीन आयामों और 10 संकेतक के आधार पर घरेलू स्तर की गरीबी को मापने और उसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया है। जैसे शिक्षा, स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष, कितने उपस्थित हैं वर्ष बताया गया है। दूसरा हो गया स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और पोषण, स्वस्थ कितने लोग हैं। जीवन स्तर, जीवन स्तर में आपका हो गया बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई, ईंधन और संपत्ति। ये सब सारे जो मानदंड हैं आपके तीन आयामों पर रखा गया है गरीबी को मापने के लिए। घरेलू स्तर में आप माप सकते हैं, घरेलू स्तर में मापने के लिए तीन ये मापदंड रखेंगे, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा। MPI मान की गणना, गरीबों की संख्या, बहुआयामी गरीबी का विस्तार, बहुआयामी गरीबी की तीव्रता के गुणनफल से की जाती है। बहुआयामी गरीबी 27.9% आबादी के साथ भारत को 109 देशों में 62वां स्थान दिया गया है। मतलब बहुआयामी गरीबी के रूप में 27.9% आबादी के साथ भारत को 100 कितना 109 देशों में केवां स्थान है, 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान देने योग्य है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। 62वां स्थान मिला है बहुआयामी गरीबी में 109 देशों में। भारत में भी निर्धनता को मापने के लिए कई पहल की गई है। आरंभ में दादा भाई नौरोजी ने इसे परिभाषित किया था। हाल ही में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी के सहयोग से नीति आयोग द्वारा एक परिभाषा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित की गई है। इसके उद्देश्य हैं हस्तक्षेपों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना ताकि कोई भी पीछे ना रहे। इसके लिए नीति निर्माताओं, स्थानीय अधिकारियों को जटिलता तथा व्यापकता का प्रबंधन करने हेतु सशक्त बनाना होगा। नीति आयोग द्वारा तैयार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक या सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक GIRG पहल का एक हिस्सा है, या नवीनतम सूचकांक UNDP और ओफी के MPI पर आधारित है। इसमें स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आयामों के तहत दो अतिरिक्त संकेतक अथा प्रसवपूर्व देखभाल, बैंक खाता शामिल है। भारत की पहली MPI माप किया आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS की वर्ष 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है। निर्धनता के सटीक अनुमानों का महत्व, इसकी सहायता से उत्पादकता बढ़ाने और बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली अस्थायी प्रतिकूल परिस्थिति पर काबू पाने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह पीढ़ियों से चली आ रही निर्धनता के चक्र को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसे नीतिगत लक्षित हस्तक्षेपों और इसमें इसे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और
अस्थायी परिणामों के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में मदद मिलती है। इससे असमानताओं और बुनियादी जरूरतों, सीखने और नौकरी के अवसरों के अन्य मुद्दों का समाधान कर समावेशी समृद्धि लाने में मदद मिलती है। इसके चलते नागरिक सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। इससे समुदायों, कुछ समूहों जैसे विकलांग व्यक्ति और परिवार के भीतर सामाजिक आर्थिक भेदभाव के क्षेत्रों पर का पता लगाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए महिलाओं को बच्चों के अत्यधिक बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे समय निर्धनता की समस्या पैदा होती है, टाइम पॉवर्टी की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे ये हो गया ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हो गया NFHS का फुल फॉर्म। आगे की ओर देखा जाए, समय निर्धनता ऐसी स्थिति है, समय निर्धनता के बारे में बताया गया है कि समय निर्धनता क्या है। समय निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें स्वयं के लिए बहुत कम समय बचता है। इससे महिलाओं और लड़कियों को भोजन के खराब विकल्पों को चुनना पड़ता है, साथ ही स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है और मानसिक तनाव होता है। निर्धनता के सटीक आकलन में चुनौतियाँ, आखिर निर्धनता को आकलन करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, इसके लिए बताया गया है डेटा की उपलब्धता। डेटा की उपलब्धता में आपको बताना चाहेंगे, गरीबी आकलन के लिए सभी संकेतों को पर डेटा की उपलब्धता नहीं होती है। इसके कारण सीमित संख्या में संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री पूर्वाग्रह, समग्र अर्थव्यवस्था पर डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के तहत आमतौर पर निर्धनता के अनुमानों की गणना अर्थशास्त्रियों द्वारा की जाती है। इससे वास्तविक कल्पना के छद्म संकेतक के रूप में आय और खपत डेटा के उपयोग की स्थिति पैदा होती है। डेटा एकत्रित करने में लंबा अंतराल, डेटा को एकत्रित करने में बहुत समय लग जाता है, यहाँ तक कि इन डेटा सेट्स की के भीतर भीतर भी घरेलू डेटा या डेटा त्रुटियों में लंबा अंतराल पाया जाता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। गौरतलब है कि गुणवत्ता के मुद्दों के कारण वर्ष 2017 से 18 का CES डेटा वापस ले लिया गया था, यानी CES पर एकत्रित किए जाने वाले डेटा 10 साल का अंतराल हो गया। संकेतकों को अपनाने में कठिनाइयाँ, अगर कोई संकेतक दिए जाते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ भी होती है। ऐसे संकेतकों की पहचान करना, उन्हें डिजाइन करना कठिन है, जिसे समाज में रहने वाले अमीर और गरीब वर्गों के बीच सार्थक तुलना की जा सके। इसका कारण यह है कि विभिन्न घटकों के भार और संदर्भों में बदलाव होता रहता है। गुणवत्ता डेटा संग्रह में जटिलताएं, भारत की उच्च सामाजिक आर्थिक विविधता के कारण गरीबी और कल्याण को समझना एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही इतनी बड़ी आबादी के लिए महिलाओं जैसे समाज के सूक्ष्म जटिल वर्गों पर तुलनीय आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल है। निष्कर्ष में बताया गया है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लक्षित नीति निर्माण के लिए उप संकेतकों से संबंधित अलग अलग डेटा का उपयोग करके और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे अन्य उपाय में क्या क्या किया जा सकता है, लैंगिकता, आय, सुभेदता आदि के आधार पर विशिष्ट डेटा एकत्रित करना होगा। उच्चतर LMI निर्धनता रेखा को अपनाया जा सकता है। इसके लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रतिदिन की आय $3.2 निर्धारित की जा सकती है। मतलब
$3.2 प्रतिदिन निर्धारित की जा सकती है उसको मापने के लिए। वहनीय उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षणों का उपयोग करना, यानी वास्तविक समय में निर्धनता के आंकड़े एकत्रित करने हेतु आर्थिक मॉडलिंग और वायरलेस तकनीक पर आधारित लागत प्रभावी उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण, ये सब आपको करने पड़ेंगे। चलिए आगे की देखते हैं। बढ़ती असमानताएं, आखिर असमानताएं क्यों बढ़ रही है? दिनों दिन देखने में आपको पता चलेगा कि अमीरों और गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्यों आखिर गरीब और अमीरों के बीच इतनी खाई बढ़ती जा रही है? तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में चीन ने व्यवसाय और समाज को कैसे कायर करना चाहिए, इस पर कड़े उपाय किए हैं। इन उपायों के माध्यम से चीन ने लोगों के बीच बढ़ते वेल्थ गैप, मतलब संपत्ति अंतराल को कम करने के लिए एक साझा समृद्धि, कॉमन प्रोस्पेरिटी कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कौन कौन से हैं, असमानता को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, आर्थिक असमानता के बारे में आपको बताया गया है। आर्थिक असमानता का अर्थ आबादी या समाज के समूहों में आय या अवसर के असमान वितरण से है। क्या है? आर्थिक असमानता का अर्थ आबादी या समाज के समूहों में आय या अवसर के असमान वितरण है। उदाहरण के लिए यदि हम आय असमानता के बारे में बात करें, यानी पूरी आबादी में आय किस प्रकार से असमान रूप से वितरित है, तो OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अमीर 10% और सबसे निर्धन 10% देशों में 1980 के दशक के मध्य आय असमानता 7.2 गुना थी, जो 2013 में बढ़कर 9.6 गुना हो गई है। कौन कौन देशों के बीच में? OECD देशों के बीच में, निर्धन देशों के बीच में। सबसे अमीर 10% थे और सबसे निर्धन में 10%, दोनों के बीच वो जो खाई बढ़ गई है वो 2013 में 7.9 थी, सॉरी 1980 के दशक में असमानता 7.9 गुना थी, 2013 में बढ़कर 9.6 गुना हो गई। वैश्विक असमानता में परिवर्तन, 1980 के दशक के बाद पहली बार 1990 के दशक में विश्व में सभी व्यक्तियों के बीच असमानता घटी, क्योंकि विकासशील देशों ने विकसित देशों की तुलना में तेजी से विकास करना शुरू किया। लेकिन महामारी के कारण इस दिशा में हुई प्रगति के पुनः खो जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि महामारी के कारण विकासशील देशों की समृद्धि की गति में मंद पड़ती जा रही है, जिससे अमीर और गरीब देशों के बीच खाई एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। राष्ट्रों के भीतर असमानता, विकासशील देशों के भीतर असमानताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए भारत में सर्वाधिक धनी 10% के पास, ध्यान से देखिए डेटा, भारत में सर्वाधिक धनी 10% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है, मतलब 10% में से 10 लोगों के पास ही 77% पैसा है, 77 रुपया पैसा, मान लीजिए 100% को लेके चला जाए तो। इतनी असमानता है कि तुलना में सबसे गरीब 67 मिलियन भारतीय की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि हुई है। ये सोचने वाली बात है, 10% धनी, 10% सर्वाधिक धनी के पास 77% हिस्सा है, इसकी तुलना में सबसे गरीब 67 मिलियन भारतीय की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि हुई है। लगातार आर्थिक असमानता का प्रभाव, बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता बढ़ने से सामाजिक गतिशीलता स्थिर होने या कम होने के कारण समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति के आधारों पर पहले से ही विखंडित भारत में आर्थिक असमानता एक अन्य विखंडन कारक का निर्माण करता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण सुभेद वर्गों की सुरक्षा और कल्याण खतरे में पड़ जाते हैं। जोखिम, आर्थिक जोखिम, उच्च आर्थिक असमानताएं, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और अवसरों की समानता की स्थिति पाने की राह में कांटा है।
इससे निम्नलिखित जोखिम पैदा होता है। जोखिम क्या क्या है वो देख लिया जाए। जोखिम है बहुत बड़ी युवा आबादी द्वारा गरीबी झेलने की मजबूरी से जनता की बढ़ती गरीबी, अपने गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए राज्य की क्षमता कम होना, और वैश्वीकरण से दूर जाने और राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग में वृद्धि होना। राजनीतिक जोखिम, लोगों के बीच आर्थिक असमानता के कारण नीतिगत निर्णयों में अपना अभिमत व्यक्त करने तथा नीतियों और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को वंचित रखा जाता है। सुरक्षा जोखिम, विश्व स्तर पर आर्थिक असमानताओं के कारण राष्ट्रों की शक्ति बीच शक्ति का अंतर बढ़ते जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत चीन के सीमा संबंधी मुद्दे, पर्यावरण जोखिम, आर्थिक असमानताओं के कारण असमान और अनन्यपूर्व विकास की स्थिति बनती है, अन्यायपूर्ण विकास की स्थिति बनती है जिससे आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचते हैं। देखा जाए, पर्यावरण जोखिम आर्थिक असमानताओं के कारण असमान और अन्यायपूर्ण विकास की स्थितियां बनती है जिससे आर्द्र भूमियों को नुकसान पहुंचने, नदी प्रदूषण में वृद्धि होने जैसे जोखिम पैदा होता है। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकारों ने कई पहलें की है। जैसे आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कई पहलें की गई है। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कराधान में सुधार किया गया है। स्थिरता और विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल में सुधार करने के लिए कराधान में सुधार करने के लिए डिजिटल मार्ग का प्रशस्त करना, पेंशन नेटवर्क को बढ़ाना, सब्सिडी और अंतरण MSME का समर्थन करना, स्थिरता विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल सुधार के लिए चिकित्सा सुरक्षा में सुधार किया गया है, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करना, क्षेत्रीय असमानता को कम करना, आवास सुरक्षा में सुधार, आय वितरण में सुधार, वित्तीय मार्गदर्शन में बढ़ोतरी, मूलभूत सेवाओं की समान सुलभता, ये सब सारे सरकार द्वारा की गई पहले हैं। क्या था ये सब सरकार द्वारा की गई पहले हैं। आगे की ओर देखें, चुनौतियाँ इसमें क्या क्या है। असमानता को दूर करने में आखिर कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, उन चुनौतियों को निपटने के लिए क्या क्या बताया गया है वो आगे की ओर देखा जाए। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए करने में चुनौतियाँ आय में अंतर व्यक्तिगत प्रयासों को दर्शाते हैं। हाल ही के समय में कई स्टार्टअप कंपनियां का उदय हुआ है, यह बताता है कि धन ज्ञान फल ज्ञान का फल इनिशिएटिव ऑफ नॉलेज है। धन का पुनर्वितरण करने वाली राज्य की नीतियाँ व्यक्तिगत प्रोत्साहनों में बाधा बन सकती है जिससे अर्थव्यवस्था में धन का सृजन धन में सृजित सृजन में कमी आ सकती है। आय के अंतर कई पीढ़ियों के परिणाम होते हैं, चाहे वह बच्चों की संख्या हो, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर किया गया खर्च हो, ये सभी एक ही आय वर्ग के लोगों के भीतर भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐतिहासिक अंतर, आमतौर पर उच्च आय असमानता वाले क्षेत्रों या राष्ट्रों में अंतर पीढ़ी गतिशीलता कम होती है क्योंकि यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने में विफल रहते हैं। मौद्रिक संसाधन बाधाएं, आर्थिक असमानता के कारण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था, कालाधन की उपस्थिति, कर चोरी, कर जमा करने वाले लोगों की संख्या आदि जैसे मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की ओर से लागू की जाने वाली पुनर्वितरण नीतियों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक वित्त और संसाधन सीमित हो जाते हैं। मानव पूंजी की बाधाएं,
उच्च असमानता के कारण मानव पूंजी संचय भी कम हो जाता है। इससे कम आय, कम उत्पादकता, कम कर और कम मानव पूंजी दुष्चक्र शुरू हो जाता है। धन के पुनर्वितरण की चुनौतियाँ। इस प्रश्न का समाधान करना एक कठिन कार्य है कि पुनर्वितरण सबसे धनी तथा सबसे निर्धन स्तर के बीच व्याप्त असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए या इस बात पर ध्यान रखकर किया जाना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का लाभ उठाने में मध्यम वर्ग समर्थ हो सके, जिसके कारण जमा करने वाले लोगों की संख्या बढ़े। आगे की राह देखा जाए तो असमानताओं से निपटने और लंबे समय तक बनी रहने वाली संधारणीयता के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने हेतु खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा किसी भी सुधार के लिए आवश्यक घटक है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब सुरक्षा को इसे जोड़ा जाता है। इसलिए दबाव का उपयोग करने के बजाय हमें परिणामों और अवसरों के बराबर करने के लिए पुरस्कृत करने की दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। असमानताओं के बारे में जानकारी को सटीक रूप से एकत्रित करके असमानताओं और नीतियों के परिणामों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करना चाहिए। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और निष्पादन आउटकम और अवसरों दोनों की असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के अनुमोदन के माध्यम से व्यापक जन समर्थन के आधार पर नीतियों का निर्माण करना और सुधारों का प्रारंभ करना। ऐसे समतामूलक समाज को बढ़ावा देना जहाँ कंपनियों अपने लाभों को कर्मचारियों को स्वेच्छा से सहभागी बनाने के लिए तत्पर रहे, ना कि केवल मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक से अधिक लाभांश का अधिकार करें। मजबूरीवश ही लाभांश देने के लिए राजी हो। मौजूदा अक्षम तंत्रों के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे विकल्पों के माध्यम से सब्सिडी का युक्तिकरण और लाभार्थियों का बेहतर लक्षीकरण, उद्यमिता को बढ़ावा देना जिससे लोगों को अच्छी नौकरियां मिले, खास तौर पर महिलाओं की श्रम की भागीदारी दर में वृद्धि हो, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और असमानता को कम करने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय समावेशन के बारे में जानते हैं। वित्तीय समावेशन में आपका हो गया, वित्तीय समावेशन एक नज़र में देखा जाता है तो वर्ष 2020 में प्रति 1 लाख वयस्कों के लिए 14.7 बैंक शाखाएं थी। मतलब 1 लाख में 14 के लगभग, मतलब 15 के लगभग बैंक शाखाएं थी। यह जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से अधिक है। चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी से भी अधिक है। 45 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY खाते में, इनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर है। मतलब 45 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते बने, जिसमें से 55% से अधिक महिलाओं के नाम पर खाता बना है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वर्ष 2022 तक 12.77 करोड़ नामांकन लाभकर्ताओं में से 4.33 करोड़ महिलाएं हैं। 12 करोड़ टोटल नामांकन आया, जिसमें लाभकर्ताओं में से 4.33 करोड़ महिलाएं हैं। वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% के पास कुल घरेलू संपत्ति का 76% का हिस्सा है। वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% के पास कुल घरेलू संपत्ति का 76% हिस्सा है। वर्ष 2021 में कुल आय का 52% हिस्सा था। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 का यह डेटा है। निचली 50% आबादी
के पास संपत्ति का केवल 2% और आय का मात्र 8% विश्व का असमानता रिपोर्ट 2022 में बताया गया है। उद्देश्य देख लेते हैं। वित्तीय सेवाओं तक सर्वाधिक पहुंच, वहनीय, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के लिए जहां बैंक की सेवाएं नहीं है वहां के लिए बैंकिंग मुख्य उद्देश्य बताया गया। वर्तमान में वंचितों के लिए युक्तियुक्त लागत वर्तमान में वंचितों के लिए युक्तियुक्त लागत पर लाभ तक बेहतर पहुंच, वित्तीय संधारणीयता को बनाए रखना, ऐसी वित्तीय साक्षरता, नवीन वित्तीय उत्पादों आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है। डिजिटल संस्थानों के मध्य प्रभावी समन्वय और उपभोग संरक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग, इसके सीमाएं बताया गया है। सीमाएं आखिर कौन कौन सी हैं? निम्न आय वाले परिवार पर लघु परिवारों तथा लघु औपचारिक व्यवहारों सॉरी व्यवसायों में वित्तीय साक्षरता का अभाव। पारंपरिक बैंकिंग की उच्च संचालन लागत तथा डिजिटल मॉडल में धोखाधड़ी व अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति, उत्पादों व बाजार प्रवेश पर अत्यधिक विनियमन आवश्यकता है। साथ ही नए प्रौद्योगिकियों के प्रति पारंपरिक विनिमय दृष्टिकोण। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई है। RBI द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 2024, इसका उद्देश्य 2024 तक मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक वयस्क के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। NPCI, UPI और रुपे कार्ड के माध्यम से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से गांवों में बैंकिंग पहुंच प्रदान करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से रोजगार और स्टार्टअप्स की सहायता करना। आगे की राह जो बताया गया इसमें, नियमित स्कूल पाठ्यक्रमों तथा जनसंचार अभियानों में व्यापक वित्तीय साक्षरता का समावेश, कई नई योजना का शुरुआत करना, ऋण, वित्तीय कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, परिवारों और अनौपचारिक व्यवसायों के लिए ऋण योग्यता मूल्यांकन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, बेहतर प्रोत्साहन से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के मार्गदर्शन का मूल्यांकन करना, साथ ही अनारक्षित क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए भुगतान बैंकों और अन्य मंचों का लाभ उठाना। चलिए भाइयों बहनों, आज
इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो पढ़ाएंगे कल का क्लास वो आपका रहेगा शहरी विस्तार और विकास, अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कल क्लास होगा, आज यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।